उधर राजा स्टूडियो प्रेजेंट्स।
6 साढ़े 6 महीने पहले कम से कम 7 महीना युवा होगा, जब मैं यहाँ पास के गांव बर्मन खेड़ी में कथा करने के लिए आया, उस समय पे एक बनिया दरबार इसी धाम में 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा का आयोजन रखा गया। तो मैंने सोचा कि अगर हम यहाँ आए हैं तो चला अपना गुरुदेव से मिला। जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने स्पष्ट एक ही बात मेरे से बोली थी कि बेटा मेरी कश्ती को किनारों की जरूरत नहीं है, वो तो तूफान से टकराएगी। अभी तो मैं जिंदा हूं, कुछ भी कर लो, मेरे मरने के बाद मेरी बहुत याद आएगी। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूं। उन्होंने एक रात्रि कथा का भी मुझे मौका दिया था यहाँ पर। उस दिन गुरु महाराज ने शुरुआत करी, जिसके बाद मैंने भी कथा करी, बड़ा आनंद आया। और जब जाते वक्त उन्होंने एक ऐसी बात कही थी कि बेटा जीवन में मैंने 40 वर्ष तक कथा की, परंतु इस नाम को, इस कथा को जितने भी कथाकार हैं तब मारे अपना प्यारा लागो। उन्होंने बोला था एक कथावाचक की बात भी सभी के बारे में बोला कि कम से कम उन्हें देवनारायण को नाम तो आगे बढ़े, परंतु आज मुझे इस दरबार में जब मैं दूसरी बार यहाँ आया तो मुझे किसी बात की कमी नहीं लगी। बाकी एक बात और है कि हम रहे ना मोहब्बत रहेगी और दास्तां उसकी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, ये जिंदगी साथ देती नहीं किसी का। चाहे हमारे पूज्य गुरुदेव आप और सबके बीच में आज दिख नहीं रहे, परंतु आनंद रूप में, उस परम आनंद रूप में उनकी याद, उनकी आवाज, उनकी कथा ऑडियो वीडियो हम सबके बीच में है। जननी जने अशोषण जर के दाता के सूर नी तो रीजे मारी मां बात जनी मत कमा जे तन को। उन्होंने दत्रावदा गांव में चाहे दरबार परिवार राजपूत कुल में अवतार लेकर जन्म लिया, परंतु जीवन भर भगवान देवनारायण जी के नाम पर जीवन गुजार दिया। ऐसे गुरु को मैं बार बार नमन करता हूं, उनके लिए जोरदार तालियां जयकारा।
बड़े भाई साहब बाबा साहब रूप सिंह जी मंच पर पधारे। मैं कैलाश जी बल्दिया वाला से निवेदन करता हूँ उनका स्वागत करें। हो ये सतगुरु ये ज्ञान गुरु धारी हो हजारे